सरकार मेरी बात का यकीन करे प्लीज। मेरी शांसे से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, इसने मुझे सरमत का नाम तक नहीं लिया था, इसने खुद मुझे रोहेल के लिए हाँ की थी। शांसे तुम प्लीज प्लीज पप्पा से जाके फौरन माफी मांगो और रोहेल से जो कुछ कहा है उसके लिए भी माफी मांगो। शांसे खुदा के लिए, नरगिस आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कल निकाह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। भाई मैं एक बार नहीं बल्कि 100 बार माफी मांग लूंगी, लेकिन आप मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है। मैं इन्हें सब कुछ साफ साफ बता चुकी थी, लेकिन ये बस यही बोलती आई कि सही टाइम का वेट करो, सही टाइम का वेट करो। ये आप इनसे पूछें ये कौन सा सही टाइम का वेट कर रही थी। अगर आज मेरी मॉम जिंदा होती ना तो मुझे यूं सबके सामने कटहरे मिला के खड़ा ना किया जाता। कम से कम वो तो होती ना मेरी साइड पे, और यूं यहां सबको मुझे अपनी गवाही ना पेश करनी पड़ती। और मैं इस चीज के लिए इनको कभी माफ नहीं करूंगी। कभी भी नहीं।